हेलो वेलकम वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक बहुत ही शानदार इंटरेस्टिंग चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आपका दो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का आ चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया गया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहला जो है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है और दूसरा जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आपको सब चीज समझ में आएगा, आप जाके देखें, अच्छे अच्छे ट्रिक भी दिया गया, आप देखें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अच्छा, फिजिक्स में वर्ड को अच्छे से समझना, अगर आप वर्ड को समझते हैं तो आपको फिजिक्स में परेशानी नहीं होगा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना मार्क्स का आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, बहुत ज्यादा है 8 मार्क्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप ध्यान से देखेंगे और इसको तोड़ेंगे तो आपको टूटेगा दिख रहा होगा आपका इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक, बहुत बेसिक सी बात है ये, वो क्या है आपका इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, दो चीजों में टूट गया, किसमें इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ये इलेक्ट्रो जो है आपको इसी को क्या कहते हैं हम लोग चार्ज कहते हैं, और ये क्या गया आपका रेस्ट है, स्टैटिक मतलब क्या था आपका रेस्ट स्टेट। तो अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, चार्ज का इफेक्ट, और ये चार्ज कैसा होगा आपका रेस्ट पोजिशन में होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा। थोड़ा बहुत, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज एकदम बिल्कुल नहीं मूव करेगा, थोड़ा बहुत मूव करेगा, पोटेंशियल में थोड़ा बहुत मूव करता है, जिसको वर्क डन करते हैं आपको हम दिखाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मूव करता है तो उसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि रेस्ट में ही है। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम आपको प्रूफ करेंगे, क्योंकि वर्क डन तभी होगा जब आपका चार्ज मूव करेगा, वर्क डन आपका तभी पॉसिबल है जब चार्ज क्या करेगा मूव करेगा। तो वही चीज को आपको समझना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं चार्ज को रेस्ट में, लेकिन थोड़ा बहुत भी आगे पीछे मूव करेगा तो रेस्ट में समझना। चलिए ठीक है, देखिए तो ये बात समझ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ने वाले हैं, इसको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चार्ज एट रेस्ट पोजिशन। आप इस चीज को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, चूंकि यहां आया है आपका चार्ज तो हम लोग रेस्ट में स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका जो बेसिक टर्म है चार्ज, इसके बारे में हर एक चीज को आप क्या को क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, आपको समझ में आ गया। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं चार्ज के बारे में, चार्ज को कैसे डिनोट करने वाले हम लोग क्यू से। ठीक, चार्ज को हम लोग कैसे डिनोट करने वाले हैं क्यू से। तो चार्ज क्या है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि व्हाट इज चार्ज। देखो चार्ज, एक बात दिमाग में आप नोट कर लीजिए कि जहां चार्ज है वहां मास है, जहां चार्ज है वहां मास है, लेकिन जहां मास है वहां यह जरूरी नहीं है कि वहां क्या होगा आपका चार्ज होगा। इसका हम प्रॉपर्टी लिखाएंगे अच्छे से, आपको समझ में आएगा, हम डिटेल करेंगे। तो चार्ज आपका एक तरह से क्या हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, किसका, मैटर का, कोई भी पदार्थ का, उसका चार्ज एक प्रॉपर्टी हो गया है जो किसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को ये प्रोड्यूस करेगा या तो इसका एक्सपीरियंस करवाएगा। फिर से समझिए बातों को कि चार्ज क्या हो गया आपका प्रॉपर्टी हो गया, मतलब किसी भी मैटर का उसका गुण हो गया, उस गुण में क्या करेगा आपका कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करवाएगा या तो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहां लिख देते पहले, सिंपली बताइए क्या हो गया चार्ज इज द, लिखते जाइए आप भी अच्छे से, नोट्स आपका बहुत अच्छा बनेगा, आप नोट्स उतार सकते हैं। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए हैंड रिटन नोट्स तो आप मैग्नेट फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहां हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच
इट एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव करता है, और प्रोड्यूसेस, और क्या करता है, प्रोड्यूसेस मतलब उत्पन्न करता है, किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड। हम लोग अच्छे से सीखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को भी सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी सीखेंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपने आप में बहुत बड़ा चीज है। बुलेट ट्रेन आपका उसमें जो कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, कैसे आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो आपको समझ में आ गया, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस और प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड चार्ज। सिंपल सी बात है। अब ये चार्ज तो हो गया, समझ में आ गया, तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग जानेंगे अच्छे से, इसके क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे अच्छे से। लेकिन इससे पहले हम लोग ये भी जानते हैं, वी नो दैट, कुछ और इसके बारे में पढ़ते हैं। वी नो दैट क्या चीज से डिनोट किए, क्यू से। तो आई जो होता है आपका क्या होता है, क्यू बाय टी, जहां आई क्या आपका करंट है, आई क्या है करंट है, पूरा लिखना चाहते थे इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, क्यू आपका क्या है चार्ज है, ठीक है। करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, एम्पियर होता है, चार्ज का क्या होता है आपका कूलम होता है, और टी आपको यहाँ क्या हो गया टाइम हो गया, ठीक है। और टाइम पे क्या होता है ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। तो ये सारी चीज को आप अच्छे से लिखें, ठीक है, नोट कर ले इसको जल्दी। चलिए देखिए, नोट कर चुके होंगे, अब इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। तो आप अभी यहां तक बस इतना सीखे हैं कि चार्ज अगर है आपका तो ये प्रॉपर्टी है किसका, कोई भी मैटर का, ठीक है। तो अब हम लोग ये भी जाने, क्या जाने, कि एस आई यूनिट ऑफ किसका चार्ज का क्या होता है आपका, इज कूलम होता है, ठीक है, कूलम होता है, ठीक है। दूसरा सीजेस यूनिट, ये चीज को याद रख लीजिए, सीजेस यूनिट ऑफ किसका चार्ज का इज क्या होता है, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम होता है, या तो और इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इसको हम लोग ESU भी बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए बताइए कि y कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रोस्टेट होता है, कितना होता है आपका 3×10⁹ स्टेट कूलम। ये चीज को एकदम हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्यों, आपका ऑब्जेक्टिव बनता है इससे। ऑब्जेक्टिव आपका ये नहीं पूछेगा कि चार्ज का ऐसा यूनिट बताइए, टेंथ वाला चीज था। अगर आपसे आप पूछेगा तो सीजेस यूनिट पूछेगा कि बताइए कि 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम होता है, तो ये सारी चीज है, ठीक है। अब हम लोग चार्ज के बारे में इतना पढ़ लिया, अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है इसको डिस्कवर कौन किया, ठीक है, हु डिस्कवर चार्ज। देखिए, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर जो किया है, आप गूगल करेंगे तो आपको तुरंत दे देगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको खोज किया है। लेकिन वो बात आपको जब उस गूगल के अंदर जाएंगे तो पूरा डिटेल दिया है। देखिए, डिस्कवर सिंपली क्या है, इसका कौन किया बताइए, थेल्स ऑफ माइलेट्स किया, थेल्स ऑफ माइलेट्स क्या, लोकेशन क्या था आपका, जगह, वो तो वो जगह था आपका माइलेट्स, और ये माइलेट्स कहां था आपका, ग्रीस में था, ये कहां था आपका ग्रीस में, ठीक है। दूसरी बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पोलैरिटी ऑफ चार्ज, समझिए चीजों को, पोलैरिटी मतलब क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, कि पोलैरिटी मतलब होता है कि जो चार्ज है आपका पॉजिटिव और क्या होता है आपका नेगेटिव। तो पोलैरिटी ऑफ चार्ज का जो डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय, ये चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो आपका खोज किया कौन किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्कवर कौन किया, थेल्स ऑफ माइलेट्स किया, ये चरवाहा था आपका, भेड़ चरवाहा। पोलैरिटी ऑफ चार्ज क्या, कौन खोज किया आपके, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आप गूगल सर्च करेंगे तो दे देता है, लेकिन आप डिटेल जाएंगे अंदर तो पूरा बात फिर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ठीक है। यहां तक आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, ठीक, मिटा देते हैं, चलिए लिख लिए। चलिए, अब आप ये समझ गए कि चार्ज क्या है। चार्ज का हम लोग एक टर्म आया, पोलैरिटी आया, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। पोलैरिटी ऑफ चार्ज को कौन खोज किए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो यहां सिंपली किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ
चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो पहला जो है आपका वो कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका मतलब जानना बहुत जरूरी है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इसका पॉइंट है, क्योंकि आप ये बेसिक चीज को नहीं सीखेंगे तो आपको फिर उधर तकलीफ होगा जब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो ये सारे बेसिक बातों को आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या बताने चाह रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये बोलता है कि ऐसा चार्ज जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, इमर्ज्ड आउट। इमर्ज आउट मतलब बाहर आना, या सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो कम आउट। ठीक है, ये कौन सा लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये बोला पॉजिटिव चार्ज, क्या बोला कि द चार्ज इन विच सपोज्ड मतलब माना जाता है, सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज्ड आउट। इमर्ज मतलब समझ गया होंगे आप लोग कि बाहर आना, या तो आप यहां चाहते सिंपली लिख सकते हैं क्या, कम आउट। कम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, बाहर निकलता है। एक इसमें नोट करके एक पॉइंट लिखने वाली बात यहां ये है, ऑब्जेक्टिव बनता है इससे कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो डेफिशिएंसी मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज इज क्या होता है, ये डेफिशिएंसी ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या होता है, कम होता है। डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, आपका कमी। तो किसका कमी होता है, आपका इलेक्ट्रॉन का। नेगेटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हुआ, बाहर हुआ। तो नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, वहीं एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, क्या लिखेंगे बताइए, कि द चार्ज इन विच, नोट्स बनाते जाइए अच्छे से, इन विच सपोज टू बी, क्या माना जाता है, सपोज टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, आपका वैनिस्ड मतलब क्या होता है, आपका एंड हो जाना, या तो सिंपली क्या लिख सकते हैं यहां, एंड वैनिस्ड इनटू, या तो क्या बोल सकते हैं, एंड इनटू। तो इसका मतलब क्या है, बोलिए, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्यू को हम लोग कैसे दिखाते हैं, चार्ज को, तो ये जो डायरेक्शन है बदल जाएगा और कहां खत्म हो जाएगा, आपका ये, और ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये चीज समझ में आया। इसमें नोट करने वाली क्या बात हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, डिफिशियंसी, अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, ऑब्जेक्टिव बन जाता है इससे। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या, अगर नेगेटिव चार्ज, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि नेगेटिव चार्ज इज इलेक्ट्रॉन रिच रिच मीन समीर, या तो ऐसे लिख सकते हैं, इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। एक्सेस मतलब अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का उसमें प्रेजेंस क्या होता है, अधिक होता है। किसमें, नेगेटिव चार्ज में। नोट कीजिए, यहां तक बात है, एकदम नोट कीजिए, सिंपल बात है, बताया आपको, कुछ खास नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन क्या, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या माना जाता है, कि बाहर निकलता है, और पॉजिटिव चार्ज पे क्या होता है, डिफिशियंसी होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। सिंपल बात बताया। उसके बाद हम लोग क्या बताएं कि नेगेटिव चार्ज क्या होता है आपका, वो होता है ये कि नेगेटिव चार्ज में हम लोग जो है मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें एंड हो जा रहा है, मतलब समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या आपका, इज इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतनी सारी बातें भी बताएं। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां ये बनता है कि हम लोग ये भी सारा चीज पढ़ लिया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, तो ये जो हम लोग सीखेंगे अच्छे से, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
ठीक है, तो जो हेडिंग डालिए आप लोग बहुत अच्छे से, और वो क्या आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज मतलब आप समझ ही चुके हैं कि गुण के बारे में कर रहे, किसका, चार्ज का। चार्ज का एक गुण तो आपको पता ही है कि आपको करंट मारा ही होगा कभी ना कभी। तो देखिए अब हम लोग इस चार्ज के बारे में अच्छे से सीखेंगे और समझेंगे कि आखिर इसका प्रॉपर्टीज क्या था। आपको बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है आपका कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो इसको सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बताइए। तो दूसरी बात क्या हो जाएगा यहां कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर है, जिसको सिंपली जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, देखिए इसका मतलब क्या गया कि चार्ज इज एडिटिव, एडिटिव मतलब जोड़ने वाला, एडिटिव इन नेचर, इसका जो नेचर है वो एडिटिव है। चलिए इस चीज को थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझते तब आपको समझ में आएगा। यहाँ क्यू वन है, यहाँ क्या है, क्यू वन, ये मान लेते कितना है, टू कूलम है। यह Q2 मानते हैं कितना आपका, 5 कूलम है, ठीक है। तो बोला जाए बताइए कि Q टोटल, तो क्या जाएगा आपका Q1 प्लस Q2, तो यह क्या जाएगा 2 कूलम प्लस 5 कूलम, तो आपको कितना चाहिए, 7 कूलम। सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं, वही बात को ये बता रहा है, क्या बता रहा है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ये बातें आपको समझ में आ गया। अब हम लोग जो है इस चीज को और ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपका क्या है, मोबाइल है, आपका क्या है, मोबाइल है, तो फर्स्ट में 1% हुआ, फिर जोड़े क्या हो गया 2%, 3%, तो आप देख रहे हैं इसमें ऐड हो रहा है, तब मोबाइल को जब चार्ज कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, आपका चार्ज ऐड होते जा रहा है। तो वही चीज को यहां क्या बोल रहा है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक। तीसरा बात आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अच्छे से, लाइक, लाइक चार्जेज, ठीक है, लाइक मतलब क्या होता है, एक जैसे, लाइक चार्जेज रिपेल, रिपेल मतलब धकेलना, लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं आपके, जो एक जैसा नहीं है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, अपने और खींचना, अट्रैक्ट टू ईच अदर। देखिए इसको जो बोला जाता है लॉज ऑफ इंट्रैक्शन भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लॉज ऑफ इंट्रैक्शन। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, तो लाइक चार्जेस मतलब क्या हो गया, एक जैसे, और अनलाइक मतलब क्या हो गया, एक जैसे नहीं, अर्थात नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टू नेगेटिव आपका क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये बात को समझना है। नेगेटिव टू नेगेटिव क्या करेगा, लाइक मतलब यही ना हुआ, लाइक मतलब एक जैसे, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दूसरा क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लाइक चार्जेस, ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब बताइए अगर एक पॉजिटिव लेते हैं दूसरा क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो ये हो गया अनलाइक, एक पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव, तो एक जैसा अब ये नहीं रहा, ये क्या करेगा बताइए, ये अट्रैक्ट करेगा, हाँ अट्रैक्ट, फिर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या करेगा आपका, अट्रैक्ट करेगा ये भी, क्योंकि ये सिंपल बात यहां बोल रहे हैं कि अगर लाइक चार्जेज है तो रिपेल करेगा, रिपेल मतलब एक दूसरे को दूर धकेलेगा, अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब, है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, लाइक चार्ज है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अब शुरू होगा कि क्या बात है, ये भी सारी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन देखिए क्या बताने वाला है, लिख लिए, नोट कर लिए, चलिए मिटाते हैं। अभी कितना मात्र 3 ही पॉइंट हुआ है इसमें, कि लाइक चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अब हम लोग जो है सीखने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है, चौथा नंबर, कि चार्ज इज ऑलवेज, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मतलब शामिल होना था, ठीक है, एसोसिएटेड विथ मास। हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, मतलब ये हुआ कि अगर किसी बॉडी में चार्ज है इसका मतलब उसके पास मास है, ये बात को समझना। यहां थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, इट मींस
इफ इट मीन्स, अच्छे से लिखते हैं, चार्ज चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट विदाउट मास। इसका मतलब यह हुआ कि चार्ज जो है कैन नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट उसका कोई अस्तित्व नहीं, किसके बिना, मास के बिना, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट, ये तो जाती हो गया ना फिर, कि चार्ज जो है मास के बिना रह ही नहीं सकता है, लेकिन जो आपका है मास वो किसके बिना रह सकता है, चार्ज के बिना रह सकता है। चलिए इसको थोड़ा अपने मोबाइल बचपन वाली फोन को आप लोग देखोगे जिसका बैटरी खोला करते थे, है ना। देखिए इस बात को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपके पास पहले 1600 का मॉडल बहुत फेमस हुआ करता था फोन, जिसको बार बार बैटरी हम लोग खोल के क्या करते थे, उसमें चिप जो था आपका, क्योंकि बहुत जल्दी स्विच ऑफ हो जाता था उम्र हो जाने के बाद। तो अगर मान लेते पहले कितना 100 ग्राम था, कितना था 100 ग्राम था, ठीक है। जब इसको बैटरी क्या किया हम लोग निकाल दिए, ठीक है, कितना हो गया आपका 70 ग्राम, मतलब 30 ग्राम का बैटरी था, ठीक। कुछ तो वजन होगा ना कोई भी मोबाइल का। तो ये बात कह रहा है कि अगर ये मोबाइल अगर चार्ज है, अगर इसमें बैटरी है, इसमें क्या है बैटरी लगा दिया, तो ये चार्ज है आपका, तो ये चार्ज है तो इस पर कुछ तो वजन होगा ही होगा, बात समझ रहे, इसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। अब इसको कंप्लीटली शॉर्ट कर दो, कंप्लीटली क्या करो शॉर्ट कर दो, मतलब एक पॉइंट भी चार्ज नहीं है, या तो सिंपली क्या कीजिए बैटरी ही निकाल के फेंक दीजिए। तो जब बैटरी निकाल के फेंक दी कितना हो गया आपका 70 ग्राम का, तो क्या इसका वेट, भले वेट घट गया, भले इसका मास कम हो गया, लेकिन अभी भी मास है, अभी भी मास है। तो यही बात को ये कह रहा है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। तो अगर इसमें चार्ज है इसका मतलब कि वहां मास होगा ही होगा, अगर किसी बॉडी में मास है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि उस पे आपका चार्ज होगा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा ही होता है आजकल, आप समझ ही रहे हैं, मोबाइल पे कुछ और लिखते हैं लोग और होते कुछ और हैं। चलिए समझ में आ गया, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट बात समझिए, आपका पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओहो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्व मतलब क्या होता है आपका, संरक्षित करता, कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज जो हमेशा होगा, चार्ज जो आपका हमेशा होगा कंजर्व होगा। तो आपको पता है ये कि क्या होता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनादर बॉडी। सिंपल सी बात है, बताइए क्या हो जाएगा कि उसका आप लोग सीखोगे, चार्ज नाइदर नाइदर कैन बी क्रिएटेड, नाइदर कैन बी क्रिएटेड एंड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। Destroyed, but it can transfer, transferred from one body to another body. Oho, मतलब ये हुआ कि चार्ज को हम लोग ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं। इस चीज को थोड़ा ऐसे समझिए कि मोबाइल आपका क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो आप मोबाइल कहां से ले रहे हैं, चार्ज कहां से कर रहे हैं, आपका लाइन से, ये तो क्या होता है चार्ज आपका खत्म हो जाता है। चार्ज किसके खत्म, किसके रूप में हो जाता है, ये चार्ज कन्वर्ट हो जाता है आपका किसका, एनर्जी के फॉर्म में, आपका लाइट एनर्जी बनता है, हीट एनर्जी बनता है, सारा उसमें क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये चीज को समझना है, इस चीज को आप ऐसे एक चीज को और समझिए कि अगर कोई मान लेते एक सिस्टम था, कोई क्या आपका एक सिस्टम था जिसमें चार्ज कितना था, एक बॉडी पे चार्ज जो था 2 कूलम था, दूसरा बॉडी पे चार्ज मान लेते हैं 1 कूलम था कुछ भी। तो अगर एक कोई सिस्टम है, अगर कोई क्या है सिस्टम है, और मान लेते 2 न्यूट्रल बॉडी, 2 क्या आपका न्यूट्रल बॉडी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं, क्योंकि अगर मान लेते ये 2 कूलम, 2 कूलम है, 1 कूलम है, तो वही रहेगा,
लेकिन अगर मान लेते इसको क्या कि हम लोग रगड़ के इस पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया, इस पे क्या कर दिया नेगेटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव हो गया, इस पे पॉजिटिव हो गया, तो अभी भी जो ओवरऑल चार्जेज है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इस पे कोई बदलेगा नहीं। तो ये नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, कैसा सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम टाइम के साथ जो है आइसोलेटेड सिस्टम का कोई चार्ज चेंज नहीं, कैसे चेंज होगा बताइए। एक यहां मान लेते दोनों बॉडी को क्या कि हम लोग रगड़े, जिस पे एक पॉजिटिव आ गया दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव किस पे आकर नेगेटिव किस पे आकर, हम आपको बताएंगे वो वर्क फंक्शन पे डिपेंड करता है कि जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज करता है, हम बताएंगे डिटेल में अच्छे से। जब आपका फ्रिक्शन आएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन आएगा, चार्ज कैसे करते कोई बॉडी का, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया इतना सा कि कोई भी बॉडी की ऑब्जेक्टिव बनता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां तक लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लिए, एक और इंपॉर्टेंट नोट आने वाला है, ठीक है, चलिए मिटाते हैं। आपका एक और इंपॉर्टेंट नोट आने वाला है, वो ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये तो हो गया, सॉरी, आपका जो छठा नंबर पे है वो है आपका क्वांटाइजेशन। आप लोग सोच भी रहोगे कि ये अभी तक आया नहीं है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे पहले आप क्वांटाइजेशन का मतलब ही समझ लीजिए। क्वांटाइजेशन मतलब होता है कि चार्ज को हम लोग जो है मिनिमम पॉसिबल चार्ज को उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं, ना ही क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको पॉइंट में कर सकते हैं, किसी भी चीज में नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन मतलब ये होता है कि आप पूरा पूरी बात करेंगे, क्या बात करेंगे, पूरा पूरी, उसको हम लोग कोई भी डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन किसको, मिनिमम पॉसिबल चार्ज से। मतलब ये हुआ कि जो आपका क्यू होता है, ये वर्ड को ध्यान दिखिएगा, प्लस माइनस क्या होता है आपका, एनी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपका सबसे छोटा इकाई चार्ज होता है, उसे और भी खोज हो चुका है, लेकिन अभी जितना आपको स्टडी करना है बस यहीं तक है। इलेक्ट्रॉन आपका, ये मान के चलना कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका वो क्या है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इससे कम आपका कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस चार्ज को हम लोग, ये वर्ड को ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इस चार्ज को हम लोग पूरा पूरी ही लिखेंगे, ना ही पॉइंट में लिखेंगे, ना ही क्या लिखेंगे, कोई अदर में, ना ही डिवाइड कर पाएंगे, इससे कम आपका पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आप देखेंगे यहां जो Q है वो क्या होता है आपका, टोटल चार्ज होता है, क्या होता है आपका, टोटल चार्ज, ठीक है। Q आपका क्या होता है, टोटल चार्ज, ठीक। और आपका जो यहां N है वो क्या है आपका, वो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, वो क्या होता है आपका, 1, 2, 3 पॉइंट वगैरह नहीं होता, ठीक है। और यहां E है, ये चीज को समझना है, इसी को बोला जाता है फंडामेंटल, क्या बोला जाता है आपका, फंडामेंटल, और कभी कभी लिख देता है बेसिक, क्या लिख देगा आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो इसका बहुत सारा बात है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है। और इसी का जो है आपको यह भी लिखा जाता है मिनिमम पॉसिबल चार्ज, और मिनिमम पॉसिबल चार्ज मतलब इससे जो है कम आपका कोई पॉसिबल नहीं है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इससे नीचे आपका कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, तो आप इस चीज को डिफाइन करेंगे, यहां E क्या है, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या बेसिक चार्ज, क्योंकि आपका टोटल चार्ज है, तो इसको, इस वर्ड को यहीं से डिफाइन कीजिए, यहीं से, तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, क्या बोल रहे हैं हम, टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। बताइए यहां से लिखना शुरू कीजिए, द टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका, इंटीग्रल मल्टीपल, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक, फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज कॉल्ड, क्या कहा था बोलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप चीजों को समझ गए होंगे, यही से लिख सकते हैं, क्यों क्या आपका बताइए,
टोटल चार्ज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ये चीज हो गया पूरा आपका टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर एक प्रॉपर्टीज को बता दिया गया है, ठीक है। अच्छे से आपको वीडियो को फिर से देख सकते हैं, एक ही बार में आपको याद कर देना है देख देख कर, ठीक है। एक दो बार और देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, आप इसको नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए, चलिए नोट कर लिए, उसके बाद हम यहां लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा कि आपका जो होता है वन इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ होता है, ठीक है। और यही जो है आपका क्या कहलाता है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज, इससे कम आपका पॉसिबल नहीं है, मिनिमम पॉसिबल चार्ज। और हम लोग जो वहां लिख रहे थे कुछ बातों को, किस देखिए यहाँ क्यू जो था आपका क्या था, प्लस माइनस एन ही था। तो अगर बोला जाए क्यू के बताइए कि वन ई हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन ई माइनस वन ई, ठीक है। अगर बोला जाए क्या टू ई हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन यही बोला जाए क्या 1.5 ई हो सकता है, ये बात गलत हो जाएगा। ये चीज को हमको क्या करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ई को हम लोग ई का जो है वन हाफ नहीं लिख सकते हैं, वन थ्री बाय टू नहीं लिख सकते, मतलब 1.5 ई नहीं लिख सकते, ये बात क्या है, गलत है, ठीक। पूरा पूरी होगा क्वांटाइजेशन, मतलब पूरा पूरी बात करता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन, तो आप समझ गए कि वन इलेक्ट्रॉन चार्ज बराबर कितना था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि कन्वर्ट, समझिए कन्वर्ट वन कूलम इंटू इंटू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्ज। या तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन कूलम चार्ज इन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए ये पूछा भी जा चुका है आपका ऑब्जेक्टिव में, सीबीएसई में, जेक में, दोनों पूछा जा चुका है। तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, ये ना होता आपका, ठीक। आप कितना जानते हैं, अच्छा इसको पलट के लिख सकते हैं क्या, बताइए 1.6 × 10⁻⁹ पलटेंगे क्या होगा आपका ये, अच्छा इसको लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁹ गुणे क्या हो जाएगा 1 कूलम, हमको ये पूछा है, ठीक। तो इसको टोटल नीचे कीजिए, नीचे कीजिए 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइड बाय, नीचे कीजिए इसको 1.6 × 10⁻⁹ क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। देखिए ये पॉइंट ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, बताइए ये पॉइंट जाएगा ऊपर 10 हो गया, देखिए 2 से काटिए यहाँ 5 हो गया, यहाँ कितना क्या हो गया आपका 8, डिवाइड कीजिए 8 से, यहाँ 8 से तो कितना हो जाएगा आपका 8, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 48, 2 8 दूनी 16 8 5 40, ठीक है। इंटू ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁴ ऊपर जाएगा तो बताइए 90 प्लस में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कीजिए कितना हो जाएगा 6.25 × 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रख लीजिए कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, कभी आपका सॉरी यहाँ कितना होगा आपका 18 कूलम होगा। यहां तक समझ में आया अच्छे से। तो हम लोग जो सीखे हैं क्या क्या सीखे हम लोग, सबसे पहले हम लोग सीखे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है। थोड़ा समरी करते हैं, थोड़ा क्या करते हैं हम लोग यहाँ समरी यहां तक लिख लिए, ठीक है। हम लोग अच्छे से सब चीज को सीखेंगे, सबसे पहले क्या सीखे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़े बताइए, हम लोग ये पढ़े कि इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है चार्ज, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है रेस्ट। तो चार्ज को हम लोग रेस्ट में स्टडी करते थे, वही क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। चार्ज फिर आप लोग देखे कि चार्ज क्या था, कि जहां अगर मास है वहां क्या होगा आपका, ये जरूरी नहीं कि चार्ज है, लेकिन जहां चार्ज है वहां आपका मास होगा। तो चार्ज का आपका पोलैरिटी चार्ज को कौन खोज किए थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन चार्ज को कौन खोज किए थे, तो वो खोज किए थे थेल्स ऑफ माइलेट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखे कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देखे, क्या देखे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से बाहर निकल रहा था, नेगेटिव चार्ज यहां क्या था आपका, ये समाप्त हो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देखें, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आपको मजा आया तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए, क्योंकि आपका वीडियो पर डे आने वाला है, किस पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे आपका, ठीक है। और भी लंबा बताते लेकिन वीडियो काफी लंबा पड़ जाता है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। कल हम लोग फिर से आएंगे इसी टॉपिक को लेकर, ठीक है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।